शिल्पा शेट्टी ने कहा है, प्लीज वी डू नॉट वॉन्ट अ मीडिया ट्रायल, हम लोगों की प्रिवेसी की कीजिए रिस्पेक्ट। और क्या कह रही है शिल्पा शेट्टी, चलिए जान लेते हैं इस वीडियो के अंदर। हेलो, दिस इज लीसा गंगवानी। दरअसल जब से राज कुंद्रा केस जो शुरू हुआ है, पोर्नोग्राफी क्रेज जिसके लिए उनको अरेस्ट किया गया है, ही हैज बीन इन अ ज्यूडिशियल कस्टडी, तब से शिल्पा शेट्टी को भी कई सारे मीडिया पोर्टल्स द्वारा इस पूरे मामले में घसीटा जा रहा है। और अभी तक शिल्पा शेट्टी पर कोई भी आरोप सिद्ध नहीं हुए हैं, कोई भी इन्वेस्टिगेशन जो है इस तरीके से शुरू नहीं हुई है कि शी कैन बी ब्लेम फॉर एनीथिंग और शी हैज टू कम इन टू दिस मैटर। लेकिन क्योंकि वो राज कुंद्रा की वाइफ है, इसलिए लगातार उनका नाम भी कई सारी न्यूज स्टोरीज में पॉपअप हो जा रहा है। जिसके बाद शिल्पा शेट्टी ने एक ओपन लेटर रिलीज किया है और उन्होंने कहा है कि मैं एक माँ हूँ दो दो बच्चों के, और दोनों ही काफी छोटे हैं, मेरे लिए नहीं, मेरे पति के लिए नहीं, तो मेरे बच्चों के लिए ही सही, मेरी प्रिवेसी का प्राइवेसी की रिस्पेक्ट कीजिए, बिकॉज दिस इज पोजिंग अ वेरी वेरी नेगेटिव इफेक्ट ऑन माई चिल्ड्रन। साथ ही उन्होंने कहा है कि मैं इस इंडस्ट्री में 29 ईयर्स से प्रोफेशनली काम कर रही हूँ, मैंने कई सारे लोगों के साथ काम किया है, एंड आई हैव डन नथिंग रॉन्ग टू बी डिजर्विंग दिस। जिस तरीके से कई सारे मीडिया जो हैं अपने ही हिसाब से कई सारी स्टोरीज बनाकर मुझे उनका प्रोटैगनिस्ट या एंटागनिस्ट बना दे रहे हैं, मुझे उन स्टोरीज में डाल दे रहे हैं, प्लीज मैंने अपनी तरफ से कोई भी स्टेटमेंट नहीं दिया है, तो आप लोग कोई भी हाफ बेक्ड स्टोरीज को मीडिया में रन मत कीजिए। दिस इज एक्चुअली स्पॉइलिंग माई इमेज, दिस इज एक्चुअली गोइंग अगेंस्ट माई रेपुटेशन। और वहीं शिल्पा शेट्टी ने अपनी प्राइवेसी का प्राइवेसी की गुहार देते हुए कहा है, दुहाई देते हुए कहा है कि मैं एक मीडिया ट्रायल डिजर्व नहीं करती हूँ। जब लीगली ये केस कोर्ट में चल रहा है, जब सारे लीगल दांव पे चल रहे हैं, अभी तक कोई भी गिल्टी प्रूव नहीं हुआ है, मेरे हस्बैंड की तरफ से मेरे लॉयर्स जो हैं लगातार इस जंग को जारी रखे हुए हैं, देन यू पीपल डू नॉट हैव अ राइट टू प्रूव और टू से एनीथिंग अगेंस्ट अस अंटिल इट इज प्रूवन इन द कोर्ट। तो भाई क्या कहना चाहेंगे आप लोग शिल्पा शेट्टी के इस लेटर के बारे में, इस बयान के बारे में, जल्दी से लिख दीजिए कॉमेंट सेक्शन में। बाकी हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए, और भी खबरें हैं लगातार इसी तरीके से आप तक पहुंचाते रहेंगे।